ना तुम चलाते हो दुनिया ना हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाखे उमम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाखे उमम चलाते हैं। और सुने नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, बुलंद आवाज से कहें सुभानअल्लाह, नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उसमें शाखे मदीना कलम चलाते हैं, फिर उसमें शाखे मदीना कलम चलाते हैं। और सुने मजारे ख्वाजा से आवाज आ रही है, मजारे ख्वाजा से आवाज आ रही है, ये क्या चलाएंगे ये मुल्क हम चलाते हैं, ये क्या चलाएंगे ये मुल्क हम चलाते हैं। और सुने नाथ आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, नाथ आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, तुम लोग से मुराद के वो लोग, इशारा समझें, जैसा कि मौलाए कायनात से शख्स ने पूछा, हुजूर मैं नमाज तो पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने से मुझे सुकून नहीं मिलता है। मौलाए कायनात ने फरमाया, नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता है तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे भाई से पहचानता नहीं, आका कहेंगे भाई से पहचानता नहीं। बर्फ को छोड़िए पत्थर पे पिसल जाएगा, उसके चेहरे का हरे का रंग बदल जाएगा, जिसको सरकारे दो आलम से अदावत के मियां पांव शबनम पे भी रखिए तो जल जाएगा, जिसको सरकारे दो आलम से अदावत के मियां पांव शबनम पे भी रखिए तो जल जाएगा। नाथ आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, सुभान अल्लाह, बात समझ में आ रही है? हाँ तो बोलते रहे मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। नाथ आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग। इश्के सरकारे दो आलम के खनकते सिक्के, इश्के सरकारे दो आलम के खनकते सिक्के, मैं बरेली से उठा लाऊंगा लेकिन तुम लोग, इश्के सरकारे दो आलम के खनकते सिक्के, मैं बरेली से उठा लाऊंगा तुम लोग। तुम कहां जाओगे जब कोई ठिकाना ही नहीं, तुम कहां जाओगे जब कोई ठिकाना ही नहीं, मैं तो बगदाद चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग, मैं तो बगदाद चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग। दोनों हाथों को उठाए गए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाइए, कसम लहराइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, हमदी मुख्तार की सुन्नत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के हाथ में हाथ डालकर फरमाया, मन कुंतु मौला फहाजा अली कुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हाथों को उठाओ, हाथ उठाना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? दोनों हाथों को उठाएं, वापस से कहें सुभान अल्लाह, ओ बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आप भी अभी खामोश हो गए तो आप हमेशा के लिए खामोश हो जाना बेहतर है। सुने, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के कितना ही बड़े जुल्म यजीद, बोले शब्बीर के कितना ही बड़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के कितना ही बड़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। और सुने शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। सरे हुसैन ने नेजे से कर दिया ऐलान, सरे हुसैन ने नेजे से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। और सुने हम जमीन वाले हैं, हम आसमान वाले हैं, हम जमीन वाले हैं, हम आसमान वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, बन जतन से निस्पत है, नूर हैन वाले हैं, करबला गवा रहना हम हुसैन वाले हैं, करबला गवा रहना हम हुसैन वाले हैं। जल्दी जल्दी चाय पिला दे, एक चाय बेचने वाले ने तो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बना के हमारे सर उतारेगा, हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी। ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। डीजे हजरत बहुत तेजी के साथ खतीबा इले सुन्नत नाशरे मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहब सुन्नत के आमद आमद गए। हजरत की जात मोहताज तआरुफ लगी, हजरत का तआरुफ कराना सूरज को चराग दिखाने के मिसल है, लेकिन इस हर अकीदत की कोई चीज हुआ करती है। ऐसे खतीब को आवाज देता हूँ जिसके खिताबे नायाब से दिलों को रूहानी गिजा हासिल होती है, जिनकी हासिल जलसे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है, जो हर स्टेज पर चांदनी में चांदनी की तरह निखर कर
सितारों की तरह चमत्कार। लीजिए हजरत बहुत तेजी के साथ साथ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहब कुबला के बाद उनसे पहले मुफ्ती साहब सुनने से पहले मौलाना गुलाम मुर्तजा जमाली दो शेर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हजरत इस्तेमाल कर लें नारे तकबीर नारे रिसालत फैसाने सरकारे मदीना फैसाने सरकारे मदीना नारे तकबीर नारे रिसालत।